रुक जाओ तुम सब, यू पीठ दिखाकर कहां भाग रहे हो? भूल गए, प्रभु श्री राम को विजय दिलानी है, माता सीता को मुक्त कराना है। किंतु हनुमान जी, इस राक्षस की विशाल देह देखी, इसका बल देखा, इसे परास्त करना असंभव है। इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है, हमें मत रोकिए। रुको रुको, किसी को कुछ नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी मायावी राक्षसों को धूल चढ़ाई थी, ऐसे ही इसे भी धराशायी कर देंगे हम। वानर राज सुग्रीव, क्या अभी भी तुम इस रणभूमि में हो, या अपनी सेना से पूर्व ही इस रणभूमि से पलायन कर गए? मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे। ये मुझे ललकार रहा है। आओ मेरे सामने और युद्ध करो। महाराज सुग्रीव, आपकी शक्ति पर किसी को संदेह नहीं है, किंतु ये राक्षस महाविकराल है, इसलिए इसके समक्ष जाना स्वयं को संकट में डालना होगा। किंतु प्रभु, मेरा इसके समक्ष जाकर संपूर्ण शक्ति के साथ सामना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं अभी नहीं गया तो संपूर्ण वानर सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसका सामना करने का कोई अर्थ नहीं है, इसका सामना करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है, हमें मत रोकिए। यदि ऐसा है तो मैं आप सबको नहीं रोकूंगा, किंतु जो मैंने पूर्व में कहा था वो मैं पुनः कह रहा हूँ, विजय हमारी होगी, पाप एवं पापियों का सर्वनाश होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम नाम की महाशक्ति हमारे साथ है, स्वयं प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। आज्ञा दे प्रभु। हमारे महाराज तो उस विशालकाय राक्षस से भिड़ने चले गए। विशालकाय राक्षस, क्या हुआ? कल के युद्ध के बाद प्रतीत होता है रावण हमसे भयभीत हो उठा है, उसकी निद्रा भंग हो गई है, इसलिए उसने असमय तुम्हारी निद्रा भंग कर दी। स्वयं को महाबली कहने वाला रावण बहुत ही भीरू निकला। सुग्रीव, जिसकी स्वयं की सेना रणभूमि में अपने समक्ष मृत्यु को देख भाग रही हो, उसके मुख से ये बोल शोभा नहीं देते। यदि तुम भी अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो भाग जाओ अपनी सेना के साथ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे राजा के अपमान से अच्छी तो मृत्यु है हमारे लिए। उचित क्या है? उचित क्या है? उचित क्या है? हनुमान जी, हमारी सेना का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। चलिए हनुमान जी। कुंभकर्ण, तुम जैसे हिंसक पशु को देखकर क्षण भर के लिए मेरे वानर वीर योद्धा भयभीत हो उठे थे,
परंतु हम उनमें से नहीं जो पीठ दिखाकर भागे। हम तो वो हैं जो शत्रु के सामने आकर उसकी नासिका पर वार करते हैं। जय श्री राम। तुझे अपने पग के नीचे मसलता हूं। पकड़ लिया उस राक्षस ने। दुष्ट वानर, अब तुझे कुंभकर्ण से कौन बचाएगा? चले सुग्रीव को ले चलो लंका के भीतर। लंकेश का यही आदेश था। क्या था मुझे? मारा सुग्रीव की हम रोकेंगे तुम्हें राक्षस। मारा सुग्रीव को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। सोचने का समय नहीं है हनुमान, शीघ्र ही मूर्छित महाराज सुग्रीव को सुरक्षित करना होगा। सुग्रीव, तुम्हारी पराजय के साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये दुष्ट वानर बचा कर ले गया सुग्रीव को मेरे हाथों से। मारो, वार करो इस पर। मारो, वार करो इस दुष्ट पर। मेरु पर्वत के समान इस विशालकाय दानव से अनेक गुना अधिक है प्रभु श्री राम की शक्ति। जय श्री राम। हम्म।
तुम लटो वान रहो, मेरी देह पर उत्पात मचा रहे हो। एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम सबको चीटों की भांति मसल दूंगा। चलो हम भी इस पर आक्रमण करते हैं, हम सब मिलकर गिरा देंगे इसे। दुष्ट वानरों, बंद हुआ तुम्हारा उत्पात, तुम सब मेरा भोजन बनोगे। मित्र नील, कैसे बचाए उन्हें? ये राक्षस तो उन्हें खा जाएगा। वो राक्षस हमारे युवराज अंगद और नील को निकल गया। हम मेरे उधर में आराम से रहना तुम दोनों। भैया आपने लक्ष्य साध लिया पर बाण नहीं चलाया। लक्ष्मण, यदि अभी मैं इसका वध करूंगा तो इसके साथ साथ उन वानर योद्धाओं का भी अंत हो सकता है जिसे इसने अभी अभी निकला है। मामा जामवन जी, आप महाराज सुग्रीव की रक्षा कीजिए, मैं उस दुष्ट राक्षस को देखता हूं। अब व्यर्थी इन पर आक्रमण कर रहा हूं मैं, ये तो मेरे लिए युद्ध नहीं, ये तो मेरे लिए भोज है। अब इन्हें खाकर मैं अपनी शुदा मिटाऊंगा। अब तुम हमारा प्रहार सहो कुंभकर्ण, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें निद्रा बहुत प्रिय है ना कुंभकर्ण, लाओ लाओ, आओ वानरो। शेष वानर योद्धाओं को भी पकड़ लिया इसने। भ्राता महोदय, लंकेश को इसी बात का भय था, कहीं भोजन के लालच में ये उनका आदेश ही ना भूल जाएं। हमें उनको यहाँ पर आने का उद्देश्य स्मरण कराना होगा। भागो, अन्यथा ये हम सभी को खा जाएगा। भागो भागो भागो, प्राण बचाओ, भागो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ, प्राण बचाओ, भागो। मेरा हाथ पकड़ने का दुस्साहस किसने किया? कर्ण, अब मैं एक भी वानर को तुम्हारा ग्रास नहीं बनने दूंगा। तुम रोकोगे मुझे तो अब मेरा हाथ पकड़ने के परिणाम स्वरूप उसका पुरस्कार भी ले लो। जिन्हें तुमने उदरस्थ किया है उन्हें जीवित बचाऊंगा मैं। भक्त हनुमान हूं मैं, नहीं टिक सकोगे मेरे समक्ष तुम। छोड़ मेरा हाथ वानर, छोड़ मेरा हाथ। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय महाबली हनुमान, जय महाबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। वानर को भोजन बनाने का परिणाम तो झेला तुमने, अब उसके हाथ का बार भी झेलो। अच्छा वानर, आज कितने वर्षों के पश्चात अपने समान पराक्रमी योद्धा से युद्ध करने का अवसर मिला है मुझे। अब देख हनुमान कि मैं तुझे किस प्रकार धूल चटाता हूँ। प्रसन्न तो मैं भी हूँ क्योंकि तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा की पराजय के बाद जग को ज्ञात हो जाएगा कि अधर्म कितने भी विशाल पर्वत के पीछे क्यों न छिप जाए, धर्म की आंधी के समक्ष टिक नहीं पाएगा। जय श्री राम। के पराक्रम का परिणाम है उनकी आधी सेना को मसल दिया होगा। मुझे विश्वास है आज एक भी वानर जीवित नहीं रहेगा। अधर्म की शक्ति कितनी ही विकराल क्यों ना हो, रावण के पास कितने ही महायोद्धा क्यों ना हो, धर्म और भक्ति के शक्ति स्वरूप हनुमान हमारे साथ है, इसलिए हमारी पराजय कभी नहीं हो सकती। प्रातः कुंभकर्ण का इतने पराक्रमी योद्धा से पहली बार सामना हुआ है, एक भी वानर को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे वो। इन दोनों का तो युद्ध ही समाप्त नहीं होगा, हमें किसी भी प्रकार प्रातः कुंभकर्ण को लंकेश का आदेश स्मरण करवाना होगा। कुंभकर्ण, क्यों उस मूर्ख वानर पर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो? उठाइए वानर राज सुग्रीव को और ले चलिए लंकेश के पास। उचित कह रहे हो तुम महापौर।
लंबा है ये राक्षस। मुझे छोड़ो हनुमान, अपने इन वीरों की रक्षा करो। सामर्थ्य है हनुमान, तो जाओ रक्षा कर लो अपने इन वीरों की। इस राक्षस का ये प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं होने देगा हनुमान। बचाने में व्यस्त हो गया ना, अब सुग्रीव को मुझसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। वानर योद्धाओं को रक्षित कर तत्काल महाराज सुग्रीव तक पहुंचना होगा। अच्छा, तो इस कुंभकर्ण की योजना मुझे इस प्रकार से उलझा कर महाराज सुग्रीव तक पहुंचने की थी। मुझे किसी भी प्रकार से इसे रोकना होगा। प्रभु, हनुमान को दूर भेजना भ्राता कुंभकर्ण की चाल थी। उनका वास्तविक लक्ष्य तो महाराज सुग्रीव हैं। मैंने इस राक्षस को अधर्म का मार्ग छोड़ने का पर्याप्त समय दिया, परंतु अब इस राक्षस को अधर्म करने से रोकने का समय आ गया। ये कुंभकर्ण तो युद्ध भूमि से अपनी पीठ दिखाकर जा रहा है। प्रभु, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आप अपना बाण चलाइए, अन्यथा कहीं अनर्थ ना हो जाए। प्रभु, नहीं महाराज विभीषण, पीठ पर वार करना क्षत्रिय धर्म और युद्ध नीति दोनों के विरुद्ध है। संभवतः कुंभकर्ण का काल उसे अधर्म का तजकर धर्म के मार्ग पर आने का एक और अवसर देना चाहता है। श्री राम जी ने तो कुंभकर्ण पर बाण ही नहीं चलाया, वो राक्षस हमारे महाराज को लेकर जा रहा है। ये तो अनर्थ हो गया, हम उस महाविकराल राक्षस को कैसे रोके अब? लंकेश की जय, राजकुमार कुंभकर्ण की जय। क्यों चित नहीं हुआ प्रभु, भ्राता कुंभकर्ण द्वारा महाराज सुग्रीव के अपहरण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वानर सेना पर। वो हमारे महाराज को लेकर जा रहा है। संकट मोचन महाबली हनुमान भी नहीं है जो उन्हें संकट से बचा सके। धन्यवाद हनुमान जी, धन्यवाद। महाबली हनुमान जी जय।
महाराज लंकेश की जय। राजकुमार कुंभकर्ण की जय। महाराज लंकेश की जय। राजकुमार कुंभकर्ण की जय। कुंभकर्ण द्वारा महाराज सुग्रीव को छल से ले जाने पर सभी दुखी प्रतीत हो रहे हैं। आप सब लोग इतने निरुत्साहित क्यों हैं? क्या हुआ? महाराज लंकेश की जय। राजकुमार कुंभकर्ण की जय। मुझे ज्ञात था मेरा महाशक्तिशाली भ्राता ही ये कार्य कर सकता है। अब मैं इस वानर राज के शव को लंका के द्वार पर लटकवाकर इस वानर सेना का मनोबल तोड़ दूंगा और उस वनवासी को अकेला छोड़कर इन्हें लौटने पर बाध्य कर दूंगा मैं। उसके पश्चात वो वनवासी स्वयं ही पराजय स्वीकार कर लेगा। महाराज सुग्रीव का अपहरण? ज्ञात नहीं दुष्ट रावण ने लंका में महाराज सुग्रीव के साथ कैसा व्यवहार किया हो। मांगो कुंभकर्ण। वचन देता हूं मैं कुंभकर्ण, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। जो कार्य कोई नहीं कर सका वो तुमने किया है कुंभकर्ण। भ्राता श्री, ये वानर भी बहुत विचित्र प्राणी है। इनके साथ क्रीड़ा करने में बहुत ही आनंद आएगा। मैं तो केवल इस वानर को मूर्छा से जागृत कर ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरे समक्ष किस प्रकार नृत्य करेगा। कल सूर्य उदित होते ही इस वानर का मैं वध करके इसको लंका के मुख्य द्वार पर लटका दूंगा। उसके उपरांत आप भी निश्चिंत होकर विश्राम कीजिएगा भ्राता श्री, और मैं भी अपनी अधूरी निद्रा को पूर्ण कर लूंगा। क्रीड़ा यंत्रणा जो चाहे वो करो भ्राता, परंतु सावधान रहना, उस वनवासी का कोई योद्धा इसे मुक्त कराने के अभिप्राय से यहां आ सकता है। मेरे वीर योद्धाओं, महाराज सुग्रीव की आप तनिक भी चिंता ना करें। आज शत्रु ने युद्ध स्थल में महाराज सुग्रीव का वध करने की चेष्टा नहीं की, इसलिए इसका अर्थ है वो जो करेगा कल प्रातः ही करेगा। मैं स्वयं जाऊंगा उन्हें लंका से मुक्त कराने के लिए। लंका से मुक्त कराने के लिए। लंका से मुक्त कराने के लिए। अभी आपके कुंभकर्ण के उदर में बहुत ही रिक्त स्थान है, और यदि किसी ने आने का दुस्साहस कर भी लिया तो आपके भ्राता कुंभकर्ण के लिए तो वो मात्र भोज ही है ना। प्रभु, मेरे होते हुए आपको ये कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा वहां। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम दोनों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। प्रभु, मैं तो पूर्व में भी लंका जाकर सुरक्षित लौट चुका हूं। अपने इस सेवक पर विश्वास कीजिए। कृपया मुझे महाराज सुग्रीव को लेकर आने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं अंगद, आप युवराज हैं। महाराज की अनुपस्थिति में वानर सेना को नियंत्रित रखने का दायित्व अब आपका है, इसीलिए आपका मेरे साथ चलना अनुचित होगा। अनुचित होगा ना प्रभु? हाँ हनुमान,
कुंभकर्ण ने प्रमाणित कर दिया है कि वो पूर्णतः अधर्म के साथ है, इसलिए उसका अंत समीप है। आप चिंतित मत होइए भ्राताश्री, आप विश्राम कीजिए और मुझे भी यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान और मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्व में लंका प्रवास के समान इस बार भी तुम मेरी मर्यादा का मान रखोगे। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान मेरा आदेश स्मरण रखना, महाराज सुग्रीव को मुक्त कराकर अविलंब लौट कराना। प्रभु की आज्ञा का अक्षरश पालन करेगा हनुमान। प्रणाम प्रभु। लंका के रक्ष सैनिकों सुनो, महाराज लंकेश का आदेश, सावधान रहना। शत्रुओं की ओर से सुग्रीव को मुक्त कराने के लिए कोई लंका में प्रवेश करने की चेष्टा कर सकता है। वानर राज सुग्रीव, आप मूर्छा से जागृत हो गए या थोड़ा और जल डालूं आप पर? असुर, तुझसे मैं अपने अपमान का प्रतिशोध अभी लूंगा। मुझे बांध रखा इस राक्षस ने अपनी माया से। वानर राज, अब तक तो आपको ये ज्ञात हो ही गया होगा कि आप एक वन्य जीव हैं और एक वन्य जीव को वश में रखने हेतु उसे बांध कर रखना पड़ता है। असुर! वानर राज, क्यों व्यर्थ में अपनी शक्ति गवा रहे हो? तुम तो वानर के अनुरूप हो ना, तो नृत्य करो, मनोरंजन करो मेरा। मेरे पालतू वानर को क्रोध आ रहा है। परंतु तुम्हारे इस प्रकार यो गुलाटिया मारने से मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। दुष्ट रावण ने न जाने कहां बंदी बनाकर रखा होगा महाराज सुग्रीव को। जब तक वो वानर सुग्रीव राजकुमार कुंभकर्ण जी के कक्ष में है, मैं वहां एक मक्खी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरा कुंभकर्ण के कक्ष पर आना उचित ही था। हम दोनों को भी अत्यधिक सतर्क रहना होगा।
सतर्क रहकर भी हनुमान को भीतर जाने से नहीं रोक सकोगे। इनको इस प्रकार अपने मार्ग से हटाना प्रभु के आदेश का उल्लंघन तो नहीं होगा? कदापि नहीं। प्रभु ने ही तो मुझे यहाँ से महाराज सुग्रीव को ले जाने का आदेश दिया है, और उसमें आने वाले अवरोधों को तो हटाना ही होगा। बहुत राम 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 कर रहे थे वो वानर, अब देखता हूँ कौन राम आकर यहाँ से सुग्रीव को बचा ले जाता है। वनवासी राम को तो अक्षम कर दिया था हमारे राजकुमार कुंभकर्ण जी ने। द्वेष भाव से ही सही, परंतु बार बार प्रभु राम का नाम ले रहे हैं ये। जिसके जिह्वा पर प्रभु राम का नाम हो उस पर कैसे वार कर सकता हूँ? राम की पराजय तो निश्चित है। एक वनवासी चला था लंकेश रावण को पराजित करने, राम का नाम लेकर तो हम उस पर उपकार कर रहे हैं। प्रभु का इतना अपमान नहीं सह सकता हनुमान। मैं तुम दोनों को प्रभु के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा। मेरे पालतू वानर, अब कुछ अच्छा सा कर्तव्य दिखाकर मेरा मनोरंजन करो, और भूल जाओ ये कि तुम्हें बचाने हेतु यहाँ कोई आने वाला है। करो। लगी, परंतु मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। एक बार और। बच गए? कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। यहाँ भी प्रभु की मर्यादा आज्ञा से बंधा है हनुमान, अन्यथा इस शत्रु का अंत युद्ध भूमि से पूर्व यहीं इसके कक्ष में कर देता हनुमान। वानर को ये भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए कि वो एक योद्धा है। परंतु कोई बात नहीं, अब तुम मेरे समक्ष कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाओ कि मुझे ये आभास हो जाए कि तुम वानरों में सर्वश्रेष्ठ हो। आनंदित हो जाए ये कुंभकर्ण। अरे नहीं वानर, अपने स्वामी से इस प्रकार व्यवहार नहीं करते, नहीं तो स्वामी तुम्हें पिंजरे में बंद कर देंगे। और यदि मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया ना, तो वो तुम्हारा वनवासी है ना राम, वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। राम। ऐसा व्यवहार करने का दुस्साहस कर रहा है ये, जैसे महाराज सुग्रीव इसके पालतू जीव हों। मैं एक कार्य करता हूँ, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर देता हूँ। जाओ हनुमान, और मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्व में लंका प्रवास के समान इस बार भी तुम मेरी मर्यादा का मान रखो। जय श्री राम। हनुमान, महाराज सुग्रीव। जय
जय श्री राम। कहाँ छिप गया ये? कहाँ चला गया ये वानर? कहाँ चला गया ये धूर्त वानर? प्रभु की कृपा से उसने हमें नहीं देखा। महाराज सुग्रीव, हमें शीघ्रता से यहां से निकल जाना चाहिए। महाराज सुग्रीव, कब तक छिपेगा तू? नहीं महाराज सुग्रीव, अब हमें यहां से लौटना चाहिए। हनुमान, बच नहीं सकेगा तू। इसे हम कल के युद्ध में दंडित करेंगे। अभी आप चलिए यहां से। इसकी श्वास समय भीतर खींच लेगी। अभी बताता हूं। बचकर जाने ना पाए। हनुमान, हनुमान, कुंभकर्ण मुझे पशु के समान बांधकर मेरा उपहास कर रहा था। ये बात किसी को मत बताना। वो दृश्य देखकर मेरा रक्त भी खौल उठा था। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कुंभकर्ण जब बंदी बनाई, हनुमत ही सुग्रीव छुड़ाई। ऊर्जा विहीन थी सेना बैठी, नृप को देखी तो आशा लौटी। नव उत्साह से जुट गए सारे, पवन तनय सब संगत तारे। सब बिगड़ी बजरंग बनाए, संकट मोचन सो कहलाए। प्रभु, प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय।
प्रणाम प्रभु। तुमने उसे जाने कैसे दिया यहां से? इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता भ्राता श्री, वो हनुमान उस सुग्रीव को लेकर चला गया। धिक्कार है हम राक्षसों पर, वो एक तुच्छ वानर यहां आकर उस सुग्रीव को ले गया और हम कुछ ना कर सके। सभी वानर जय जयकार कर रहे हैं उस तुच्छ वानर के। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। ये सब मेरी भूल के कारण हुआ है भ्राताश्री। परंतु कल सूर्य उदय होते ही रणभूमि में आपकी विजयश्री सुनिश्चित कर मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करूंगा। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं महाराज सुग्रीव को लंका से ले आया हूं। भ्राताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आज के युद्ध में केवल सुग्रीव को लक्ष्य किया था, परंतु कल के युद्ध में मैं राम और उसकी वानर सेना को जीवित ही निगल जाऊंगा। कल ही युद्ध समाप्ति की घोषणा करेगा ये कुंभकर्ण। अब की बार किसी को पकड़ूंगा नहीं, केवल संहार करूंगा मैं सबका। हनुमान, मैं आश्चर्यचकित हूं, सिंह के मुख से उसका भोजन छीनने समान अद्वितीय कार्य किया है आपने। परंतु ये कार्य आपने किया कैसे? हाँ हनुमान जी, बताइए, लंका में प्रवेश करके काकाश्री को कैसे मुक्त कराया आपने? क्या हुआ था वहाँ? बताइए मित्र हनुमान। क्या करूं, कुछ कहूं या शांत रहूं? हाँ हनुमान, बताओ, हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। महाराज सुग्रीव के पांव में ये बेड़ी क्यों है? क्षमा करें महाराज सुग्रीव, परंतु प्रभु का आदेश नहीं टाल सकता हनुमान। यदि हनुमान ने लंका के घटनाक्रम को विस्तार से बता दिया तो क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी मेरी? प्रभु, जब मैं लंका पहुंचा और प्रभु जब मैं भीतर गया तो मैंने देखा कि कुंभकर्ण ने महाराज को बेड़ियों से बांध रखा था, स्वयं नट बना हुआ था और महाराज को अपना मनोरंजन करने पर बाध्य कर रहा था। प्रभु, प्रभु, वो दुष्ट तो महाराज सुग्रीव को पिंजरे में बंद करने वाला था। परंतु मैंने आपके नाम के प्रताप से महाराज सुग्रीव को मुक्त करा लिया। प्रभु, फिर है ना, छलांग लगाकर मैं कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गया, छोड़ा नहीं उसे, उसके दोनों कान काट दिए मैंने। मैं तो और उसे भयंकर दंड देता, परंतु हनुमान, हनुमान मुझे वहां से यहां ले आए। ये तो बहुत अच्छा किया हनुमान ने, अन्यथा वो महाराक्षस भ्राता कुंभकर्ण क्रोध में क्या करते, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। अनुमान तो उस महासुर को नहीं है विभीषण जी, कि मैं उसे कितनी हानि पहुंचा सकता था। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। महाराज सुग्रीव, रुक जाइए, बात तो सुनिए। अरे महाराज सुग्रीव, आप तो रुष्ट हो गए, आप ही बताइए मैं क्या करता।
एक ओर प्रभु श्री राम और दूसरी ओर आप। महाराज सुग्रीव सुनिए, आप उचित कह रहे हैं महाराज विभीषण। कल कुंभकर्ण और अधिक उत्तेजना के साथ रणभूमि में उतरेगा। मेरा ही बंदी वानर, मेरे ही कक्ष से मेरे ही समक्ष भागकर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। कल इसी प्रकार सुग्रीव और उसकी संपूर्ण वानर सेना का मैं युद्ध में विनाश कर दूंगा। आज संपूर्ण वानर सैनिक मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि महाराज सुग्रीव में इतना भी सामर्थ्य नहीं। हनुमान, महाराज मैं सहायता करूं? नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। बहुत दुख हुआ महाराज ये सुनकर कि उस राक्षस ने आपसे नृत्य करवाया, पिंजरे में बंदी बनाना चाहा, इतना अपमान। बहुत दुख हुआ महाराज, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ महाराज सुनकर, बहुत दुख हुआ। अर्थात समस्त वानर योद्धाओं को भी ज्ञात हो गया कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। हनुमान, मेरा मान सम्मान, ये हनुमान जी। महाराज सुग्रीव, हनुमान सेवा में उपस्थित है, आदेश दीजिए। सेवा में प्रस्तुत है हनुमान, मुझे आपसे कोई सेवा नहीं करवानी और कोई आदेश नहीं देना। क्यों, आपने कहा था किसी से कुछ नहीं बताएंगे और सबको सब बता दिया आपने। सब पूछ रहे थे, मैं शांत रहा, परंतु प्रभु ने पूछा तो मैं शांत रह के असत्य विवरण देने का अपराध कैसे करता महाराज सुग्रीव। परंतु हनुमान, महाराज इस प्रकार हनुमान से मुख मत मोड़िए, महाराज होने के साथ साथ आप मेरे भ्राता भी हैं, क्षमा कर दीजिए। चलो अच्छा है हनुमान, अन्य वानरों को इस प्रकरण के बारे में नहीं ज्ञात हुआ। क्या इसका अर्थ है अन्य सभी वानरों को इस प्रकरण के बारे में ज्ञात हो गया? महाराज अब नवीन समाचार का प्रचार होने में अधिक समय कहां लगता है। हनुमान, महाराज हनुमान ठहरिए, महाराज क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं विवश था महाराज सुग्रीव के। हनुमान रुक जाइए। आप किस चिंता से शांत है महाराज विभीषण? प्रभु कल के युद्ध की चिंता है मुझे। यदि भ्राता कुंभकर्ण को हम नहीं रोक सके तो हंसने के लिए हमारे प्राण शेष नहीं रहेंगे। चिंता त्याग दीजिए महाराज विभीषण। जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण
जितने पग बढ़ाएगा उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा। सैनिकों, आज राक्षस पूरी योजना के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे। सतर्क और सावधान रहना। आज सूर्यास्त होने तक यमलोक में एक भी स्थान रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समस्त वानर अपनी मृत्यु के पश्चात वही मिलोगे। दुष्ट वानरों, आज कुंभकर्ण तुम्हें अपने बचाव के लिए भी समय नहीं देगा। रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए। अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ, इससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। सत्य कहा था आपने प्रभु कि आज युद्ध भूमि में भ्राता कुंभकर्ण अधर्मी बनकर आएंगे। युद्ध के नियम और उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे। राक्षस से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। वध करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तब तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। अब तो प्रभु ही हमारी रक्षा करे। बहुत विश्वास था ना तुम्हें अपने इस वानर पर। जाओ, खंडित हुआ तुम्हारा विश्वास।
मैं तुम सबका जीवन समाप्त करता हूँ। कुंभकर्ण, यदि साहस है तो मेरा सामना करो। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत युद्ध कौशल है तुम्हारा राम, परंतु कुंभकर्ण के समक्ष तुम कुशीलक्षण टिक पाओगे? परम प्रतापी प्रभु श्री राम नहीं, तुम्हारे समक्ष उनका अनुज लक्ष्मण है। यदि मेरे स्थान पर वो होते तो अब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग हो चुके होते। यदि तुम राम नहीं हो तो हटो मेरे मार्ग से, व्यर्थ में मेरा समय नष्ट मत करो। और बताओ मुझे, कहां मिलेगा तुम्हारा वो राम? मुझे उसी से युद्ध करना है। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कुंभकर्ण की शक्ति के समक्ष तुम टिक नहीं पाओगे। आज यहां मृत्यु का तांडव होगा। तांडव! अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ है। प्रभु श्री राम से युद्ध करने के पूर्व उनके सेवक से तो निपट लो। तुच्छवानर, तुमसे तो युद्ध कर चुका हूं मैं। तुम शक्तिशाली अवश्य हो, परंतु तुम इतने सक्षम नहीं कि तुम कुंभकर्ण के साथ युद्ध कर सको। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस तुच्छ वानर को पराजित किए बिना प्रभु श्री राम तक पहुंचना असंभव है कुंभकर्ण। क्या हुआ कुंभकर्ण? अपने विशाल काय आकार का लाभ उठाकर तुम मुझसे तो आगे बढ़ गए, परंतु अब अपने समान आकार वाले महायोद्धा से सामना हुआ तो भयभीत हो गए क्या? वानर, तुझ में अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है, परंतु तेरी ये मायावी शक्तियां कुंभकर्ण को परास्त नहीं कर पाएंगे। पर्वत के समान अटल अचल है प्रभु श्री राम का ये भक्त। उसे धर्म और भक्ति पथ से हिलाना असंभव है कुंभकर्ण।
हिलाऊंगा ही नहीं वानर, मिटाऊंगा भी। हनुमान, तुम अपनी इस मायावी शक्ति से मुझे राम के समीप जाने से रोक तो सकते हो, परंतु अपनी इस वानर सेना को मेरे पग के नीचे आने से किस प्रकार बचाओगे? रुक जाओ हनुमान। हनुमान, वो मुझसे युद्ध करना चाहता है, आने दो उसे। उसके लिए मेरे तुनीर में एक बाण कल से प्रतीक्षा कर रहा है। ये कैसा शत्रु है जिसे देखकर उसके दिव्य पुरुष होने का आभास हो रहा है मुझे। आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा का पालन करे। जो कोई भी है ये, इसका और इसके सहयोगियों का वध कर अग्रज लंकेश की इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। कैसी दुविधा में डाल दिया है राधा रावण ने अपने भ्राता कुंभकर्ण के प्राणों की सुरक्षा की प्रार्थना भी नहीं कर सकता। बस संतुष्टि है तो केवल एक बात की, कि जो कुछ भी होगा वो प्रभु श्री राम के हाथों से होगा। कुंभकर्ण, अब जब तुमने स्पष्ट कर ही दिया है कि तुम अधर्म का साथ नहीं त्यागोगे, तो मैं अपना रुद्रास्त्र चलाकर तुम्हारे रुद्र रूप को शांत करने पर बाध्य हूं। इससे पूर्व की तुम्हारा बाण मुझ तक पहुंचे वनवासी, मेरा ये लौह अस्त्र पृथ्वी को दो खंडों में विभाजित कर देगा। और तू और तेरी संपूर्ण वानर सेना उसमें समा जाएगी। सत्य है, दो भागों में बांट सकता है कुंभकर्ण पृथ्वी को। इस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पग बढ़ाएगा उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा।
नहीं हटूंगा मैं, कुंभकर्ण हूं मैं। साहस है इस असुर में, इसके दोनों हाथ पांव कट गए हैं फिर भी युद्ध करना चाहता है। ये युद्ध करने के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाने के लिए लालायित है। के दर्शन हुए तो आपको प्रणाम करने हेतु मेरे पास हाथ भी नहीं है। मेरी इन पलकों से मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। मेरा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए नारायण। हे भोले बाबा, रामचंद्र कर कमल से मारी, कुंभकर्ण भव सागर तारी। श्री हरि रूप श्री दशरथ नंदन, पवन तनय शिव रूप निरंजन। सियाराम सियाराम जय हनुमान। कुंभकर्ण जे दर्शन पाई, विस्मित श्रद्धा से भर आई। जय जय बजरंगी महावीरा, जय रघुनंदन श्री रघुवीरा। सियाराम सियाराम जय हनुमान। सियाराम सियाराम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान।
प्रभु की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष है ये। नहीं, नहीं, असंभव, असंभव है ये, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। भ्राता, दुर्भाग्य से यही हुआ है, यही सत्य है। भ्राता कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बावले हो गए हो तुम। पुनः एक बार और ऐसा कहा तो मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। कोई भूल हुई है तुमसे? हाँ, अवश्य कोई भूल हुई है तुमसे। तुम उचित प्रकार से देख नहीं पाए। वो नर और वानर मेरे भाई कुंभकर्ण को पराजित कर सके, जिसे इंद्र भी पराजित नहीं कर सका, वो नर और वानर पराजित नहीं कर सकते। असंभव है ये। कहीं ये कोई विभीषण का छल तो नहीं? मैं स्वयं जाऊंगा वहां। भ्राता, वानर इस समय बहुत उत्साहित हैं। यदि आप अकेले वहां गए तो कहीं कोई और अनिष्ट ना हो जाए। जैसे शक्तिशाली राक्षस के अंत ने हमारी सेना का मनोबल बहुत बढ़ा दिया है। हाँ हनुमान, बहुत बड़ी विजय है ये हम सबकी। प्रातः कुंभकर्ण, प्रातः श्री, ये दृश्य देखकर नहीं देना था धर्म का साथ। आप जितने समीप मृत्यु के थे उतने ही निकट प्रभु श्री राम के भी थे। आप श्री राम के साथ धर्म का पक्ष चुन लेते तो आज ये सब नहीं होता। संतोष है तो केवल इस बात का, प्रभु श्री राम के हाथों आपका अंत होने के कारण आप परम गति को प्राप्त होंगे। कुंभकर्ण अतुलित बल का स्वामी था, महाज्ञानी एवं भ्रातृ धर्म का पालक था। ऐसे योद्धाओं के मृत देह को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। इनका अंतिम संस्कार विधिवत रूप से होना आवश्यक है। किंतु रावण का क्या भरोसा? हो सकता है अनेक मृत दानवों की भांति कुंभकर्ण की देह को भी समुद्र में विसर्जित करवा दे। सत्य कहा तुमने हनुमान, कुंभकर्ण स्वयं पापी नहीं था, किंतु रावण जैसे पापी का साथ देने के कारण वह स्वयं
महापाप का भागी बना। अन्य राक्षसों के मृत देह की भांति कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा के मृत देह का कदापि अपमान नहीं होना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। विभीषण जी के संतप्त हृदय को इससे शांति प्राप्त होगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंभकर्ण के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करूं। हाँ हनुमान, किंतु इस कार्य पर प्रथम अधिकार कुंभकर्ण के भ्राता रावण एवं उसके परिवार का होगा। हाँ, यदि वो ये नहीं करते तो हम सब पूर्ण सम्मान के साथ कुंभकर्ण का अंत्य संस्कार करेंगे। किसी के आने का आभास हो रहा है। देखिए, प्रतीत हो रहा है कि रावण ने रात्रि के अंधकार में गुप्त रूप से किसी को आक्रमण के लिए भेजा है। राक्षस आक्रमण करने के लिए दिन या रात नहीं देखते। ये हमें कुछ क्षति पहुंचाए इसके पूर्व ही हमें इस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ये कौन हो सकता है? इसकी देह और इसकी चाल से तो प्रतीत होता है कि यह स्वयं रावण है। कदाचित यह कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में तथ्य जानने के लिए आया है। यह भी तो हो सकता है हनुमान जी कि कुंभकर्ण की मृत्यु से विक्षिप्त होकर यह हम पर आक्रमण करने के लिए आया हो। किंतु वहां विभीषण जी एकाकी हैं। कुंभकर्ण की शीश देखकर क्रोध में कहीं रावण उन पर आक्रमण न कर बैठे। धर्म पथ पर चलने वाले योद्धा शत्रु के साथ भी धर्मोचित व्यवहार करते हैं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।